अमेरिका की नाक में दम करने वाला कौन है? पहली बात तो आप ये सोच रहे होंगे कि आज रजा भाई को क्या हो गया, इस चैनल पर आ गए। दोनों चैनल पर हम काम करेंगे, हमने ये सोचा है, डिसाइड किया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रजाग्राफी पर बहुत सारे वीडियोज़ हो जाते हैं तो लोग देख नहीं पाते, तो ख़ासकर मिडिल ईस्ट, और जो स्पेशल रिपोर्ट हुआ करेगी एक्स्ट्रा, वो हम इस रजाग्राफी अनस्क्रिप्ट पर डाला करेंगे। टीम का ये कहना है कि हमारी कोई भी खबर स्क्रिप्टेड नहीं होती तो अनस्क्रिप्टेड पर हम क्यों नहीं डालते, तो बिल्कुल सही फैसला है और मुझे पता है कि आप इसको ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूँ कि पिछले हफ्ते एक बड़ा कांड हो गया जिसको अमरीका ने अब तक छुपाया हुआ था, लेकिन अब किसी मजबूरी से अमरीका को ये बात बतानी पड़ रही है। जल्दी जल्दी सुनिए, ये शॉर्ट खबर है लेकिन बहुत बड़ी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय वाटर में, इंटरनेशनल वाटर में हुआ ये कि अमेरिका का एक जासूसी जहाज RC-135 उड़ान भर रहा था, अचानक से इंटरनेशनल वाटर में चीन का J-16 फाइटर जेट अमेरिका के जासूसी विमान के सामने ठीक आता है, न वो सीधा न वो उल्टा, वो तिरछी उड़ान भरता हुआ बड़े ही खतरनाक अंदाज से कलाबाजी करता हुआ काफ़ी देर तक अमेरिका के जासूसी विमान के आसपास नज़र आता रहा, जिससे अमेरिका के जासूसी विमान काफ़ी देर तक उसके अंदर मौजूद पायलट परेशान रहे और अमेरिका भी दहल गया कि चीन कुछ बड़ा ना कर दे, चीन कुछ कांड ना कर दे, जिसके बाद खुद अमेरिका ने 31 सेकंड का ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में आप देखिए, ये अमेरिका का जो जासूसी विमान है उसके कॉकपिट का ये वीडियो है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पायलट ने रिकॉर्ड किया है कि सामने से J-16 चीन का फाइटर जेट जो है उड़ान भर रहा है और काफ़ी देर तक कलाबाजी खा रहा है, और चाइना के इस हरकत से काफ़ी ज़्यादा दहल गया है अमेरिका। बहरहाल, अब बात यह है कि अमेरिका ने कहा है कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया था चीन का, और चाइना ने ये सब हरकतें करके नाक में अमेरिका के दम किया हुआ है। अमेरिका ने कहा है कि भाई ये कुछ भी कर लें, हम अपना जो इंटरनेशनल वाटर में अपनी सिक्योरिटी को इसी तरह से सख्त रखेंगे और हम जो है गश्त करते रहेंगे। दूसरी तरफ अगर चीन ले चलूं तो चाइना में एक बड़ा कांड हुआ है, चाइना के मुसलमान इस वक्त बुरी तरह से विरोध में उतरे हैं। चीन के एक बड़े शहर में एक बहुत पुरानी मस्जिद, ये देखिए, इस मस्जिद को जो है चाइना की अथॉरिटी, चाइना की गवर्नमेंट ने फैसला लिया है इसको तोड़ेंगे और यहाँ पर बार एंड क्लब बनाएंगे, जिसके विरोध में चीन के मुसलमान सड़कों पर उतर आए हैं। हिंसा का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता, वायलेंस का वीडियो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन कुछ अंश आप ये देखिए, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि चीन के इरादे अच्छे नहीं हैं। अफसोस की बात यह है कि चाइना के साथ बहुत सारे अरब मुल्क का, अरब ममालिक जो दोस्त हैं उसके, वो भी नहीं रोक पा रहे हैं, और ख़ासकर पाकिस्तान एक बेहतरीन चीन का साथी है, वो भी चाइना को ऐसी हरकतों से रोक नहीं पा रहा है। बहरहाल, रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी, नीचे कॉमेंट ज़रूर कीजिए, और इस चैनल को खबरों के लिए भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।